बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के आवेदन याचिका पर सुनवाई संभव नहीं है इस वक्त, ये बड़ी खबर दे रहे हैं निपुण सहगल। क्या जानकारी है निपुण और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोई खबर? जगविंदर, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है और संभव नहीं नहीं, संभावना नहीं है। इसका कारण क्या मैं बताता हूं। पहली बात, वैकेशन अधिकारी को अप्रोच करना होता है जब भी अगर किसी को तत्काल सुनवाई चाहिए होती है, जैसे शाम के समय, रात के समय या जब छुट्टियां चल रही हो, तो एक वैकेशन अधिकारी होता है, उसके पास ही जाना होता है, उनसे अपनी बात कहनी होती है और वो चीफ जस्टिस से निर्देश लेते हैं या जो वरिष्ठतम जज उपलब्ध हो उससे निर्देश लेते हैं। वैकेशन अधिकारी ने मुझे खुद बताया है कि उनके पास केजरीवाल की तरफ से अब तक कोई वकील, कोई व्यक्ति नहीं आया है। ऐसे में एक संभावना यहाँ से कम हो जाती है। दूसरी बात, केजरीवाल के एक बहुत करीबी वकील से मेरी बात भी हुई है और मैंने यही पूछा है कि क्या देर रात सुनवाई की संभावना है। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि संभावना ना के बराबर है। यानी दोनों तरफ से, दोनों को कोरिलेट करें तो यही लग रहा है कि फिलहाल जो है शायद दोनों जो केजरीवाल का जो पक्ष है वो शायद इंतजार कर रहा है कि ईडी किस तरह की कार्रवाई करती है या कोई और बात है, कोई तकनीकी बात है, लेकिन फिलहाल रात में सुनवाई होगी इसकी संभावना काफी कम लग रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।